अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी, तो चलिए बनाते हैं। 1 kg मैंने चिकन लिया है, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 कप दही, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक। इसे अच्छे से मिक्स करके और इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसे मैरिनेट होने के लिए 1/2 घंटे तक रख देंगे। प्याज मैंने 4 से 5 बड़े साइज में कट कर लिए हैं बारीक। अब हम चावल को भिगो देंगे। 1 किलो मैंने बासमती लिया, इसे अच्छे से वॉश करके 1 घंटा भीगने के लिए रख देंगे। 1 बड़ा साइज का भगोने लिया है मैंने, इसमें मैंने 5 से 6 बड़े चम्मच ऑयल गरम कर लेंगे और जो प्याज कट किया था इसे बारीक परते खोल लेंगे और इसे गोल्डन फ्राई होने तक पकाएंगे। कुछ खड़े मसाले लेंगे, 2 से 3 तेज़पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 हरी इलायची और 6 से 7 लौंग। इसे ऑयल में फ्राई करेंगे और जो चिकन मैरिनेट किया था उसे इसमें डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके भुनेंगे। तब तक हमारा चिकन भुनेगा। अब जब तक चिकन हमारा भुन रहा है तब तक हम एक बड़े भगोने में पानी लेंगे। 1 चम्मच मैंने जीरा डाला है, 1 चम्मच काली मिर्च, 8 से 10 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 छोटी इलायची, 2 से 3 तेज़पत्ता और 2 से 3 टुकड़ा दालचीनी का, 4 बड़े चम्मच नमक। ऑयल डाल के इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। इधर हम चिकन को भी चेक करते रहेंगे, चिकन से कुछ पानी रिलीज हुआ है, इसे हमें सुखाना है। चावल के पानी को चेक करेंगे, पानी गर्म हो चुका है। इसमें मैंने 1 बड़ा स्लाइस नींबू का कट करके डाला है, जो चावल खिले के लिए बनेंगे। एक छन्नी की मदद से इन सारे मसालों को छान लेंगे और इसमें चावल डालेंगे और इसे पकाएंगे करीब 60%। ये देखिए अभी 50% चावल हमारे कुक हुए हैं। अभी चिकन चेक कर लेंगे, चिकन हमारे भुन चुका है तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे थोड़ा सा ग्रेवी लगाएंगे। चावल जो 60% कुक हो चुका है, अब इसे चिकन में पहली परत लगाएंगे। दूसरी परत हम लगाएंगे 90% जब हमारे चावल कुक हो जाए तब। थोड़ा सा गार्निशिंग किया है मैंने गोल्डन फ्राई जो अनियन थे उससे। 1 चम्मच इसमें क्योरा वाटर ऐड करेंगे और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल शामिल करेंगे। अब जो चावल हमारे 90% कुक हो गए हैं वो हम इसमें सारे ऐड कर देंगे। चावल बहुत ही एहतियात के साथ पकाना है। अब मैंने इसी तरह से जो गोल्डन फ्राई प्याज और रिफाइंड ऑयल इसमें डालेंगे, क्योरा वाटर 1 चम्मच फिर से इसमें ऐड करेंगे और फूड कलर मैंने इसमें ऐड कर दिया है, जिससे चावल बहुत ही अच्छे कलरफुल दिखते हैं। बिरयानी को अच्छे से दम लगे इसलिए हम चम्मच से इस तरह से जगह बना लेंगे और तवे के ऊपर हम दम लगाएंगे तकरीबन 10 मिनट। बिरयानी हमारी बनके तैयार है और इसको आप हरी चटनी और रायते के साथ सर्व करिए। देखिए बहुत ही टेस्टी बनी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।